हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के ऊपर। इन्फोसिस के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, तो इन डिटेल में हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कौन से कॉल ऑप्शन को लेना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हेज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कौन से ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को लेना सही रहेगा। तो कंप्लीट हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कैश पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ जो है आपको ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा इम्पोर्टेंट चार्ट्स, जहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकआउट हो चुका है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग लगातार शेयर करते रहते हैं। साथ ही और भी कुछ अगर लाइव मार्केट में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो फिर हम लोग उन सभी बातों को यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। इन केस अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए, जो कौन से स्टॉक में एंट्री लेना है, किस लेवल पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। इन केस अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं तो एफएनओ में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल ही अलग ग्रुप है, जहां पे ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ओनली नीचे दिए गए टेलीग्राम पे आपको तीन लिंक मिलेगा, जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर एंजल वन, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कर लीजिए और फिर जो है आप वहां पे ट्रेड कीजिए एफएनओ में। और 15-20 डेज ट्रेड करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिए, आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग इन्फोसिस के शेयर के ऊपर। इन्फोसिस के शेयर में आज 3% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है तो जो है आपको डिफेंसिव स्टॉक के तरफ जो है ज्यादा इन्वेस्टर मूव करते हैं। तो आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, इन सभी स्टॉक्स में अभी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। काफी टाइम से आईटी स्टॉक्स चले भी नहीं है तो अब आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इन्फोसिस के शेयर के ऊपर। इन्फोसिस ने अपना हाई लगाया था 1733 का, उसके बाद से स्टॉक में लगातार हम लोगों को यहाँ पे एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। वापस से स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे जोरदार गिरावट देखने को मिला। अब अगर देखेंगे तो स्टॉक एक इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुआ है, जस्ट बिलो नेकलाइन स्टॉक जो है यहाँ पे क्लोज हुआ है। नेकलाइन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेकलाइन जो है आपको 1480 के लेवल पे है, तो जस्ट बिलो नेकलाइन जो है स्टॉक क्लोज हुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में जो है एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार जो है स्टॉक कई बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था और अब जाके स्टॉक ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब इमीडिएट जो एक हर्डल है वो है आपको हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का 1480 के लेवल पे। तो अगर 1480 के लेवल के ऊपर निकलता है स्टॉक तो एक अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और एक कंसोलिडेशन रेंज का भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो 1480 के लेवल के ऊपर अगर 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 1550। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1650 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर कैश में चाहे फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहां पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहां पे आपके लिए बेस्ट होगा
जून मंथ का 1500 का कॉल ऑप्शन, 1500 के कॉल ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली जो है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा फॉल हुआ, बेस बनाया और अब जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। आज जरूर आज जो है 20 रुपीज के लेवल के ऊपर ही ऑप्शन प्राइस आपको क्लोज हुआ है। यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को ऑप्शन के चार्ट में देखने को मिल रहा है और ये जो हाई है ये है आपको 21 रुपीज 65 पैसे का। तो अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा तेजी हम लोग इस ऑप्शन के चार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऊपर की साइड में आपको 30 रुपीज और 30 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 35 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आप नेकेड ऑप्शन को ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप इसको हेज भी कर सकते हैं, और अगर आप ओनली नेकेड ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप ऑप्शन के चार्ट पे जो है नीचे की साइड में 17 रुपीज़ के नीचे, 17 रुपीज़ के नीचे जो है अपने SL को प्लेस करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो है जस्ट इस लेवल के नीचे जो है अपने SL को प्लेस करके रख सकते हैं। तकरीबन 4 to 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, और अगर हम लोग इन्फोसिस के लॉट साइज की बात करेंगे तो 400 का लॉट साइज है। तो अगर यहाँ पे आप 5 पॉइंट का भी SL रखते हैं तो आपको आपका 2000-2400 ये सभी लॉस है, मैक्सिमम लॉस है। और इनकेस अगर आप हेज करना चाहते हैं तो हेज करने के लिए जो है आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर सपोज अगर आप नेकेड ऑप्शन को भी बाय करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे रिस्क है वो 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेट जो है 5 पॉइंट का रिस्क है, और ऊपर की साइड की अगर रिवॉर्ड की बात करेंगे तो आपका पहला रिवॉर्ड होगा 8 पॉइंट का, और उसके ऊपर अगर और निकलता है तो फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 पॉइंट तक का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है मोर देन 1:2 का। और अगर आप हेज करना चाहते हैं तो फिर जो है आप 1560 के कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, यानी कि वहां पे आप 21 रुपीज 65 पैसा 75 पैसा में बाई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन जो है 8 रुपीज 40 पैसे के आसपास में आप सेल करेंगे तो आपका मैक्सिमम रिस्क, अगर आप उसको एक्सपायरी तक भी छोड़ देते हैं तो आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो रहेगा 5000 का, और ऊपर की साइड में जितना ऊपर जाएगा आपका रिवॉर्ड उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट एग्जैक्ट लेवल्स मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।